क्या करूं फिर? आप पता है एक बार बच्ची जल जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। क्या करूं अभी पोस्टमार्टम से मुझे निकाल दिया, अभी कहाँ लेके जाऊं? पोस्टमार्टम से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? आप मीडिया वालों को बुला के लाई भाई। फोन बोला रख कुतिया, यूज तो बात करना है, मुझे नहीं सही लग रहा है। अगर आपको लग रहा है तो आप देख लीजिए, शायद आप उससे मिले हुए हैं। अनुराधा तो मैं नहीं कह सकता हूँ। आपके पास प्रूफ है इन चीजों का? जो फोन आया फिर फोन छीन ली, फिर आप लाइन पे बने रहिए और हम आपको ऑडियो जरूर सुनाना चाहेंगे कि वो बोली क्या है। और आज भी तो ये बोली कि मैंने तो बस टेंशन में बोल दी, और टेंशन वाली बात होती है भैया, किसी की जिंदगी से तुम खेल लो उसमें टेंशन वाली बात बोलो, ये जिंदगी किसी की तबाह कर दी है। तुम अपने आप को जो समझती हो, और जितना बड़ा हीरा समझती हो उतनी बड़ी हीरा हो नहीं, चुड़ैल जैसी शक्ल है, और तुम अपने आप को क्या समझ के रखे हो? क्या समझ के रखे हो? जो किए हो आपको लगता है बहुत अच्छा मैं की हूं, लेकिन बहुत अच्छा किए नहीं हो, और आपको इस चीज का भुगतान करना पड़ेगा। और ऊपर वाले के घर में देरी है लेकिन अंधेर नहीं है। और याद रखना, आप बोलते हो ना मैं हरियाणा से हूँ, हरियाणा सरकार एक्टिव नहीं है, लेकिन हमारे जो है उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत एक्टिव है। और जिस दिन उठाना चालू करेगी, कुछ चलो ठीक है कारण बस है नहीं उठा रहे, लेकिन जिस दिन उठाना चालू करेगी ना, कहाँ डालेगी कहाँ से निकालेगी वो तो सरकार ही जानती है। और सबसे बड़ी बात एक मैं कहना चाहूंगा कि इसकी तो यार आदत ही बहुत गंदी पड़ गई है। नंबर जाएगा आप लोग अभी उसको क्यों लेके जा रहे हैं वहाँ पे? क्या करूँ फिर? आप पता है एक बार बच्ची जल जाएगी ना तो आपका केस दबा दिया जाएगा पैसे के बल पे। क्या करूँ अभी पोस्टमार्टम से मुझे निकाल दिया, अभी कहाँ लेके जाऊँ? पोस्टमार्टम से ऐसे कैसे निकाल सकते हैं वो? आप मीडिया वालों को बुला के लाई भाई, मीडिया वालों के सामने लाई भाई और कहिए वही पोस्टमार्टम, या थाने पे जाइए, आप थाने पे लेके बैठ जाइए कि मैं तब तक नहीं जलाऊंगी जब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा। अगर आपने जला दिया आपका केस खत्म हो जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है, थाने पे आप जाइए, वहीं आप बैठ जाइए, थाने पे आप चले जाइए, उसको जलाइएगा नहीं आंटी। अगर क्या बोली है? रखा यार चूती औरत। अगर ये चूतिया थी, अगर ईमानदार थी ये, तो इसको तो इस हिसाब से यूज नहीं करना चाहिए था। जो चीज की है वो सही नहीं। ये कौन बोल रही थी? निशा पांडे बात कर रहे थे, उनकी माँ से लाश न जलाइए। और अनुराधा सिंह बोली है हाँ रखा फोन चूती औरत। आप सब सुने ये बात को, लास्ट में साइड से बोली अनुराधा। अनुराधा ही मोबाइल लेके बात कर रही है, हाँ रखा फोन चूती औरत, फोन कट कर दी, रखा हाँ रख फोन, तब यहाँ हाथ आया तब बोले चूतिया औरत। मतलब ये लोग को जल्दी था कि लाश को जल्दी जला दे। प्रूफ देखो, मैं सब चाह रही थी सुनाना दिखाना, मैं जरूर सब पुलिस का काम है, लेकिन फिर भी मैंने आपने पुलिस पे भाई को जस्ट देखिए बहुत सारे प्रूफ हैं और पुलिस ढूंढ रही है, ढूंढेगी जरूर। आने वाले टाइम में आप भी कोई खुलासा करेंगे? इतना बड़ा खुलासा करेंगे, इतना बड़ा बम फोड़ेंगे कि सीधा एक ही बार में राजा डाउन। कहाँ टेंशन ले रहे हो, थोड़ा समय सबर रखिए। क्या इस खेल के जो मेन माफिया है सजना, वहां तक पहुंचने का प्रयास करें आप? क्या पहुंचे ना वहां पे, कुछ नहीं कर पाएगा वो, पहुंचे उसको वो खेल नहीं रहा है, मैं उसको खुद खिला रहा हूँ। तू खेलते रहे बेटा, कब पकड़े जाना है वो तो मोदी सरकार। आकांक्षा को इतना नीचे गिराने वाला, और मतलब की जो स्थिति ऐसी बन गई, आखिर ये क्या मामला हो गया?
अब खुद देख रहे हैं आत्महत्या तक लोग बोल रहे हैं आत्महत्या है। आपको लगता है इतनी लड़की होनहार और आकाश छूने वाली लड़की अब बैठे बैठे फांसी लगा लेगी, जो बच्चे हो रहा है वही फांसी। समर सिंह ऐसा क्या कर दिया कि जो इसको ऐसा हाल बनना पड़ा? वो तो जांच का विषय है, वो पुलिस खुद बताएगी क्या कर दिया। वो तो ना आपको पता ना हमको पता, वो तो मोबाइल आम लोगों में बेचारी जो फंसी, आज उनके माँ बाप को कितना तकलीफ हो रहा है, पूरे लोग जो है तकलीफ से जो है जूझ रहे हैं। जिस दिन आकांक्षा दुबे का खुलेगा उस दिन पूरा उसका चिट्टा पिट्टा निकलेगा। अनुराधा जो इस गेम में आप आरोप लगा रहे हैं कि वो वही इस खेल में मेन रोल की है, ये आरोप आप कैसे मानते हैं? मानना क्या है, की है काम, अगर नहीं की होती तो घर आती। अब घर मान लो उसको निशा पांडे जैसे लोगों का फोन आ रहा है, बड़े सिंगरों का, तो सीधा सीधा बोलती जी बहन मैं दे रही हूँ उनकी माँ को फोन, आप बात करिए। कोई हकदार नहीं है।